बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं जी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत खूबसूरत नेक जो है वो आपके साथ हम आप शेयर करेंगे। शर्ट की जो फ्रंट पार्ट है वो हम आपको खोल के दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं जी, क्रीज़ हमने इसकी बिठा ली हुई है, सीधी साइड अंदर है और बैक साइड जो है वो उसको हमने क्रीज़ बिठा के इसको अब हम करते हैं एक साइड पे। और ये जी हमारे पास बुकरम आ गई है, बुकरम को हमने लिया है डबल फोल्ड। आपने इसकी गहराई गले की और चौड़ाई को ध्यान से देखना है, इसकी मेजरमेंट को, और उसके बाद हम इसका करेंगे स्केच रेडी। जी तो गाइस, ये देख सकते हैं जी, गले की जो भी मेजरमेंट थी वो हमने आपके सामने उसके निशान लगाए हैं हर चीज़ पे। और अब हमने इसको कटिंग कर दी है शर्ट की। हम बैक साइड पे इसको गले का हाफ और शर्ट का हाफ एक बराबर रखते हुए हम इसको प्रेस करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे अटैच। ये जी हमारे पास एक डबल स्लिट ली हुई है हमने, इसकी जो चौड़ाई हम आपको अभी दिखाते हैं, तकरीबन 1.25 इंच हमने इसकी जो चौड़ाई है वो ली है, और लंबाई आपने अपने गले के हिसाब से लेनी है। ठीक हो गया। इसको जी अब हम चिपकाएंगे एक एक्स्ट्रा कपड़े पे। शलवार का हमारे पास कंट्रास्ट में कपड़ा है वाइट कलर का, तो इसके ऊपर हम इस स्लिट्स को चिपका के इसको रेडी करेंगे। ठीक हो गया। गला जो हमने कटिंग किया था वो हमने शर्ट के ऊपर चिपका लिया, ये बिल्कुल आपके सामने, और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमने कटिंग कर दिया और फिर इसको प्रेस की मदद से अच्छे तरीके से बिठा दिया है। ये देख सकते हैं जी, हम आपको हर चीज़ इसकी खोल के दिखा रहे हैं। ये देखें जी, इस तरीके से हमारे गले की शर्ट की जो फाइनल लुक है वो इस तरीके से आ रहेगी। और ये जी हमारी स्लिट है, बुकरम को हमने चिपका लिया था एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर, और अब हमने इसको प्रेस की मदद से इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया है दोनों स्लिट्स को। अब हम इस पे लगाएंगे निशान, जितना हमें स्लिट रेडी चाहिए हम उस पे लगाएंगे निशान। एक एक इंच पे हमने निशान लगाएंगे पूरी स्लिट्स पे। बंद वाली साइड जो है वो हमने अपनी तरफ रखनी है और उसकी तरफ हम निशान लगाते जाएंगे। ठीक हो गया। स्लिट पे हमने निशान लगा लिया है, दोनों स्लिट्स पे एक एक इंच पे निशान लगा दिया। और ये जी हमारे पास है लेस कंट्रास्ट में पर्पल कलर की। अब हम इस निशान के ऊपर ऊपर हम इसको सिलाई लगाएंगे और इसको इसके साथ कर देंगे अटैच। ठीक हो गया। जी तो गाइस, ये देख सकते हैं जी, स्लिट्स हमारी जो हैं वो उसके ऊपर हमने लेस को कर लिया है अटैच। और अब हम ये देखें जी, इस तरीके से कुछ इसकी लुक आ रही है। अब हमने ये जो जितना हमें गला रेडी चाहिए उस उतने उतने बराबर हम रखते हुए इसको प्रेस की मदद से इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे हल्का हल्का, जैसे कि आपको करके दिखाया जा रहा है। और फिर हमने इसको रखा है नीचे, जितना हमें जहाँ लेस लगी हमने नीचे वाले गले के साइड पे रखते गए और इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये देख सकते हैं जी, आपको रख के दिखाया जा रहा है, और इसी तरीके से आपने भी इसको रेडी करना है। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से रखेंगे किनारे पे। ये देख सकते हैं जी, लेस के बिल्कुल किनारे किनारे पे और गले के किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाते जाएंगे और इसको स्लेट को इसके साथ अटैच करते जाएंगे।
जी तो गाइज़ ये देख सकते हैं जी, गला हमारा इसके साथ स्लिट जो है वो अटैच हो गई है। और ये जी हमारे पास एक बुकरम भी हमने ली हुई है एक्स्ट्रा। हम देखेंगे कि गला हमें कितनी लंबाई इसकी चाहिए। हमें तकरीबन 7.5 से 8.5 इंच चाहिए, तो हम उस पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। दोनों साइड्स पे हमने निशान लगाए और ये जो स्लेट हमने बुकरम पे रख के चिपकाई है पर्पल कलर में, इसको हम रखेंगे नीचे और पिन अप कर देंगे। और फिर हम बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे गले के सिलाई लगाते जाएंगे। जी तो गाइज़ ये देख सकते हैं जी, गले की फाइनल लुक आपके सामने, डिसेंट लुक आपके सामने आ गई है जी। ये आपके सामने हमने इस हर चीज़ को रेडी किया है, मोती लगा दिए हैं सेंटर में और ये लेस लगा के या इसको डबल सिलाई भी लगा दी गले के। और ये स्लिट जी आपके सामने आ गई है, गला हमारा ये देख सकते हैं जी। हम आपको थोड़ा सा ऊपर उठा के दिखा रहे हैं। होप सो कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी।